Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Main aap tamam nazreen ka istiqbal karta hoon. Aapko welcome karta hoon. Hamare program Black and White mein. Hum aaj dekhne wale hain de-radicalization ke taluk se. Chand baatein, kuch aisi baatein jo is mauzu, is topic par ek sahi balanced approach ke saath hame aage badhaye. Sabse pehle hum ye dekhenge कि डी-रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है. रेडिकलाइजेशन उसे कहते हैं जब कोई मियाना रवि या बैलेंस्ड अप्रोच या दरमियान के रास्ते को छोड़कर एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाता है और एक रेडिकल बन जाता है. डी-रेडिकलाइजेशन का डेफिनेशन ये है, द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग दोज विथ एक्सट्रीम एंड वायलेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज टू अडॉप्ट मोर मॉडरेट व्यूज. यानी कि जो लोग तशद्दुद के शिकार है उन्हें सही दरमियान के मॉडरेट रास्ते पर बुलाना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया. या यूहन्नास, ए इंसानो, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन. दीन में गुलू, हद से तजावुज करना, हद से आगे बढ़ना, एक्सट्रीम पर जाना, उसे बचो. फइन्नमा अहलका मन काना क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, क्योंकि तुमसे पहले वाले दीन में गुलू की वजह से हलाक हो गए. इस्लाम ने जो रास्ता बताया वो एक बहुत बैलेंस्ड रास्ता है. इस रास्ते से जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, तशद्दुद के रास्ते पर जाते हैं, जो इस्लाम की सिखाई हुई टीचिंग्स के दायरे से बाहर जाते हैं, वो हम देखते हैं कि बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं. आज दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम के नाम में एक ऐसी सोच को अपनाए हुए हैं जिस सोच के अंदर तशद्दुद और एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है, जो इस्लाम के बताए हुए बैलेंस्ड और सही और अमन वाले रास्ते से बाहर निकल चुका है. हम आज इस अप्रोच के ताल्लुक से बिल्कुल फेस टू फेस अपफ्रंट बातें देखने वाले हैं. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम तीन अहम बातों को देख लेते हैं. सबसे पहली बात कि बहुत सारे टेररिज्म के केसेस जिनमें दोष बोझ डाला जाता है मुसलमानों के ऊपर, रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन से ये बात साबित हो चुकी है कि इन रियलिटी ऐसे बहुत सारे केसेस में मुसलमान रियली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दूसरी बात कि मीडिया में जब किसी टेररिज्म के केस की रिपोर्टिंग होती है और अगर मुस्लिम नेम इन्वॉल्व है तो उसे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है. और तीसरी बात, भले ही हम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ डी रेडिकलाइजेशन का ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि बहुत कम मुसलमान हैं जो इससे इन्फ्लुएंस्ड है. मिसाल के तौर पर ब्रुकिंग्स की इस रिपोर्ट में आया है कि इस्लामिक स्टेट, जो हकीकत में कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो अन इस्लामिक स्टेट है, आइसिस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 142 लोगों का इन्वॉल्वमेंट अब तक साबित हुआ है. इंडिया के 18 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन में से 142 लोग इन्वॉल्व रहे हैं इन सम वे विद आइसिस, जो अगर आप पॉपुलेशन का देखें तो 0.00007% है. लेकिन कोई एक शख्स भी अगर इन्वॉल्व हो तो हम सबके लिए ये एक शर्म की बात है. हम ये नहीं चाहते कि कोई एक भी मुसलमान ऐसे रेडिकलाइज थॉट्स रखें, उसके अंदर ऐसी सोच बने या ऐसा कोई काम वो करें. इसी वजह से हम ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम देख रहे हैं और हम इसके अंदर एक बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच के साथ, एक फेस टू फेस अप्रोच के साथ कई बातें देखेंगे. इंटरनेशनल तौर पर देखा जाता है कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स, यानी कि तशद्दुद के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो प्रोग्राम्स है, उसके अंदर अक्सर जो अप्रोच लेकर आगे बढ़ते हैं वो एक इरिलीजियस अप्रोच है. मतलब आप देखेंगे कि एक तरफ रेडिकलाइजेशन है और दूसरी तरफ उन लोगों को डी रेडिकलाइज करने के लिए उन्हें धर्म या मजहब या रिलीजन से दूर किया जाता है कि अगर वो लोग रिलीजन से दूर हो जाएंगे तो रेडिकलाइज नहीं रहेंगे. लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है. क्यों नहीं सही है? एक इंसान जब ऊपर वाले के लिए सही रास्ता लेता है, ऊपर वाले पर ईमान रखता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, भले ही कोई पुलिस मुझे नहीं देख रही हो, भले ही कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुझे नहीं देख रही हो, ऊपर वाला मेरा मालिक मुझे देख रहा है और मुझे सही रास्ता लेना चाहिए उसके लिए, और अकाउंटेबिलिटी कि मैं उसके सामने खड़े होने वाला हूँ कयामत के दिन, मैं उसके सामने जब खड़ा होऊंगा तब मुझे जलील नहीं होना है, मुझे डिसग्रेस नहीं होना है, तो ये जो सोच है जब एक इंसान में आए तो तब एक रियल सुधार आ सकता है. अगर आप किसी को रिलीजन से दूर कर दें, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में ले जाएं, उसे धर्म से अधार्मिक बना दें, उसे इरिलीजियस बना दें, तो
जिस किसी दिन वो धार्मिक फिर से बनेगा तो रेडिकलाइज्ड ही होगा, यानी अगर कभी भी उसके दिल में धार्मिक भावनाएं आ गई वापस तो रेडिकलाइज्ड होगा वो, क्योंकि उसकी सोच वही है, धर्म उसके नजदीक वही है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तो ये है इस्लाम रेडिकलाइजेशन के, तशद्दुद और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है जो दरमियान वाला अप्रोच है, वो ये कि धर्म या रिलीजन में ही रहकर सही और सच्ची सोच के मुताबिक एक इंसान अगर आगे बढ़े तो वो खुद ब खुद डी रेडिकलाइज हो जाएगा, रेडिकलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने 10 प्रूफ्स रखना चाहता हूं क्यों रेडिकलाइजेशन, तशद्दुद, टेररिज्म, आतंकवाद गलत है कुरान और हदीस और इस्लाम की रोशनी में। अगर कोई इंसान आतंकवाद का कोई काम करता है तो वो बहुत सारे गुनाह एक साथ में करता है। सबसे पहला गुनाह वो ये करता है कि किसी मासूम जान को लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में फरमाया, मन कतल नफसन, जो किसी जान का कत्ल करे, बिगैरी नफसिन, किसी और जान की कत्ल की सजा के तौर पर अगर ना हो, और फसादिन फिल अर्ज, या जमीन पर फसाद फैलाने के लिए ना हो, फकअन्नमा कतल नास जमीअ, ऐसा है जैसा कि सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। मतलब कि किसी मासूम जान का कोई कत्ल करे तो ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, जो किसी जान को बचा ले, फकअन्नमा अहया नास जमीअ, ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को बचा लिया। आप इसमें दो बातों पर गौर करें। सबसे पहले कि कुरान में जो सारी की सारी आयतें हैं जो किसी भी जान के कत्ल के बारे में हैं, या सारी की सारी हदीसें हैं, वो सब के सब में लफ्ज जो नफ्स आता है, नफ्स, उसमें सब इंक्लूडेड है, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। वो ऐसा नहीं है कि जो किसी मुसलमान का कत्ल करे ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। अल्फाज आयत के हैं, मन कतल नफ्सन, जो किसी जान का कत्ल करे। अब कोई भी जान हो उसका कत्ल इस्लाम में हराम है। नंबर 2, कि जो इस्लाम के अंदर सजा है वो सिर्फ एक हुकूमत और गवर्नमेंट दे सकती है, वो कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं है कि कोई भी अपनी तरफ से किसी सजा को नाफिज करे। जो लोग आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं शायद हो सकता है कि जन्नत की उम्मीद में कर रहे हो। काश कि उनको पता होता जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कतल रजुलन मिन अहले जिम्मा, जो इस्लामिक कंट्री के अंदर रहने वाले किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल करे, गैर मुस्लिम का कत्ल करे, लम यजिद रीहल जन्ना, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। वह इन रीहा लयुजदु मिन मसीरति कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू फलां फलां फासले से मिलती है। मतलब जो शख्स किसी मासूम जान का कत्ल करे, जन्नत जाना तो दूर की बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है, ये हदीस मुसनद अहमद में है सही सनद से, यहाँ पे वो सारे लोगों के सवाल का भी जवाब मिलता है जो ये समझते हैं कि कोई इस्लामिक कंट्री हो तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की जानों की कोई सेफ्टी नहीं। हम देखते हैं कि खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद के वर्ड से, अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से ये बात साबित की कि उनकी ज़िंदगी प्रिजर्व्ड है। सही बुखारी की हदीस है, मन क़त्ला मुआहदन, जो किसी ऐसे नॉन मुस्लिम का कत्ल करे जो मुआहद है, मुआहद यानी कि ऐसी कंट्री में रहता है जिसके साथ इस्लामिक कंट्री का पैक्ट है, ऐसे किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल करे, लम यराह राइहतल जन्ना, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, हालांकि जन्नत की खुशबू फलां फलां फासले से मिलती है। आइसिस या इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोगों में जिस तरह से मासूम जानों का कत्ल किया जाता है, इनोसेंट सिविलियंस का कत्ल किया जाता है, वैसी चीज तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में भी करने की इजाजत नहीं दी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जंग के अंदर कि एक औरत मारी गई थी। इस बात को देखकर वो बहुत सख्त नाराज हुए। फनहा अन क़त्ल निसाई व सिबयान, उन्होंने मना किया, प्रोहिबिट किया कि कोई भी औरत या बच्चे का कत्ल नहीं होना चाहिए। आप देखिए इस हदीस की रोशनी में, इस्लाम की टीचिंग्स की रोशनी में किस तरह से एक्सपोज्ड हैं ये लोग। मतलब कोई अगर किसी तरह से अगर कंफ्यूज्ड हो तो ये इनके सिविलियंस और जो इस तरह से मासूम लोगों को वो लोग मारते हैं, इसी से वो लोगों की आइडियोलॉजी एक्सपोज हो जाती है। कोई समझने वाले के लिए यही बहुत ज्यादा था। सही बुखारी की हदीस है, अव्वलु मा युक्दा यौमल क़ियामती फिद्दिमा,
सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा कयामत के दिन वो खून के ताल्लुक से। अगर किसी ने कत्ल किसी इंसान का किया है उसके ताल्लुक से कयामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे पहली चीज यही जवाब उसे देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला गुनाह है आतंकवाद में। आतंकवाद के अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी की प्रॉपर्टी के साथ खयानत की जा रही है। इस्लाम ने सिखाया है कि लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत हमें करना चाहिए। हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक मोमिन, एक ईमान वाला, एक बिलीवर कौन होता है? वो शख्स होता है जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। मन अमिनहुन नास अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल के ताल्लुक से और अपनी जान के ताल्लुक से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की जिंदगी इसके ताल्लुक से प्रूफ है। आप देखिए कि ऐसा वक्त आया, जंगों के अंदर भी आया, कि जहां पर कोई गलत चीज कर सकते थे, एक शख्स ने एक बार इस्लाम कबूल किया। उसके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपोजर्स थे उनकी कुछ चीज़ें थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे वापस लौटाओ। उनका टाइटल अल अमीन और अल सादिक क्यों था? क्योंकि लोग ट्रस्ट करते थे उन पर कि ये कभी चीटिंग नहीं करेंगे, और वही चीज़ उन्होंने की, वही चीज़ उन्होंने सिखाई। आतंकवाद के अंदर तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये है, वादा अहद और ओथ तोड़ा जा रहा है। अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो, चाहे हम इंडिया की मिसाल लें या कोई वेस्टर्न कंट्रीज में जाए वहां पे रह रहा है, तो उसने जैसे कि एक्सेप्ट किया कि मैं यहाँ के कानूनों के तहत रहूंगा। अब वहां के कानूनों के तहत रहने में से ये बहुत बुनियादी बात है कि वहां के लोगों के साथ आतंकवाद नहीं किया जाएगा, दहशत नहीं की जाएगी, ये तो बहुत बेसिक बात है। और अगर कोई शख्स ये तोड़ता है तो उसने अहद को तोड़ा। और सूरतुल इसरा कुरान में सूरा नंबर 17 चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा वाउफू बिल अहद, अहद को, ओथ को, वादों को पूरा करो। इन्नल अहदा काना मसूला, हर वादे के ताल्लुक से कयामत के दिन पूछा जाएगा। कुरान की आयत है सूरह मायदा की सूरह 5 आयत नंबर 1, या अय्युहल लदीना आमनू, ऐ ईमान वालों, औफू बिल उकूद, अपने वादों को पूरा करो। तो वादों को पूरा करना इस्लाम ने सिखाया। वादा करके वादा खिलाफी करना, गद्दारी करना, किसी की पीठ के अंदर छुरा मार देना, आतंकवाद वही तो है। अल्लाह ताला को कोई क्या जवाब देगा? चौथा प्रॉब्लम आतंकवाद में, और वो है ना इंसाफी, जुल्म। आतंकवाद क्या है? जुल्म है किसी के ऊपर, किसी का हक लिया जा रहा है। इस्लाम ने सिखाया जुल्म के खिलाफ गवाह बन के खड़े हो जाओ। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135, ऐ ईमान वालों, खड़े हो जाओ गवाह बनकर इंसाफ के लिए, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अपने माँ बाप के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे अमीर के खिलाफ हो या चाहे गरीब के खिलाफ हो, क्योंकि अल्लाह सबकी मदद कर सकता है। तो इंसाफ के लिए खड़े होने इस्लाम ने सिखाया। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, इत्तकु दावतल मजलूम, डरो मजलूम की बददुआ से, मजलूम के कर्ज से डरो। वइन काना काफिरन, चाहे कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई बैरियर, कोई पर्दा नहीं होता। क्या जवाब देंगे जब वो सारे लोग जो इस आतंकवाद से परेशान होते हैं, जिनकी जिंदगियां उजड़ती है, जिनकी फैमिलीज की जिंदगियां उजड़ती है, वो आएंगे अपना बदला लेने के लिए। कयामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें पेमेंट देगा, उनके साथ इंसाफ होगा। अगर नेकियां हैं तो नेकियों में से पेमेंट होगा, नहीं तो उनके किए हुए गुनाह इस शख्स पर आएंगे जिसने जुल्म किया, उनके साथ गलत किया। आतंकवाद के खिलाफ हमारा पांचवा पॉइंट, और वो है कि जमाने जाहिलियत। इस्लाम के आने से पहले जो जमाना था जिसके अंदर जाहिलियत वाली कई चीजें चलती है, गलत चीजें बहुत सारी चलती थी, लोग पागलों जैसा शराब से मोहब्बत करते थे, लोग जुआ खेला करते थे, गलत काम किया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो जमाने जाहिलियत में बहुत सारी चीजें होती थी, उसमें से एक चीज ये होती थी खून के इंतकाम। जमाने जाहिलियत की ये एक चीज है आतंकवाद। खून के इंतकाम में ये होता था कि अगर एक कबीले के एक शख्स ने दूसरे कबीले के एक शख्स का कत्ल किया है, तो वो दूसरे कबीले वाला आकर इसके एक शख्स को नहीं मारेगा, इसके पूरे कबीले को साफ कर सकता है तो कर देगा, एक के बदले में हो सकता है 10 को मारे, 100 को मारे। जमाने जाहिलियत में ये सिस्टम चलता था। इस्लाम ने सिखाया नहीं, अगर किसी ने गलत भी किया तो गलत करने वाले को सजा मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी। कुरान में अल्लाह ने सिखाया सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 164, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा,
कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। जाहिलियत के जमाने के खून के इंतकाम को खत्म किया, रोका। आतंकवाद कैसे जमाने जाहिलियत के खून के इंतकाम की तरह, मैं आपको बताता हूं। आतंकवादी को जब कहा जाता है कि ये गलत है, तो तशद्दुद वाले लोगों का ये कहना है उन्होंने फला जगह पर ये किया, उन्होंने फला जगह के फला लोगों के साथ ऐसा किया, तो हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मुजरिम है वो मुजरिम के साथ आप कर रहे हो या दूसरे किसी और के साथ कर रहे हो? आप उसकी कौम के किसी और शख्स के साथ ये कर रहे हो, मुजरिम के साथ नहीं हो रहा है। और मुजरिम के साथ करने का आपको हक भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, कानून का सिस्टम होता है, ट्रायल होता है, साबित किया जाता है, गवाहों को लाया जाता है, उसके बाद में जाके जुर्म साबित हो तो एक गवर्नमेंट वो चीज करेगी, इंडिविजुअल्स नहीं करते हैं। और यही है छठा गुनाह, कानून को अपने हाथ में लेना। कुरान में अल्लाह ताला ने सिखाया सूरह निसा में सूरह 4 आयत नंबर 83, वइजा जाअहुम अम्रु मिनल अमनी अविल खौफी अदाउ बिह, जब उनके पास कोई मामला आता है जो अमन से ताल्लुक रखता है या खौफ से ताल्लुक रखता है, वो लोग उसको फैला देते हैं। वला रद्दुहु इला रसूल, अगर रसूल की तरफ लौटा देते, व उलिल अम्र मिनहुम, और उनमें जो इख्तियार वाले हैं उनकी तरफ रिफर करते, लअलिमहु लदीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, उनमें जो नॉलेज वाले लोग हैं वो जानते हैं क्या करना है। मतलब इस्लाम ने कोई मैटर आए जो खौफ या अमन से ताल्लुक रखता है तो उसको फैलाने से भी मना किया, तो कानून को अपने हाथ में लेने की कोई इजाजत है? बिल्कुल नहीं है। इस्लाम ने यह सिखाया है कि उसे रिफर करो, जो अथॉरिटी में है उनकी तरफ रिफर करो, जो जानते हैं वो लोग उस चीज को करेंगे जो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। सातवां गुनाह, और शायद ये सबसे बड़ा गुनाह है आतंकवाद में, और वो ये है कि इस्लाम का इमेज खराब किया जाता है। इस्लाम के ताल्लुक से लोग बदजन होते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से लोग नफरत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बदगुमान होते हैं, गलत ख्यालात उनके दिल में आते हैं, सब ये ऐसे चंद तशद्दुद वाले लोगों की वजह से। जब उस जमाने में लोग इस्लाम के बारे में सोचते थे तो उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता था। आज जब सोचते हैं इस्लाम के बारे में तो कई सारे लोगों को आइसिस की दहशतगर्दी याद आती है, गन याद आती है, वो सारे गलत काम याद आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज और क्या जवाब देंगे वो अल्लाह ताला को कि उन्होंने अल्लाह के दीन का नाम क्यों खराब किया, उन्होंने क्यों ऐसा रास्ता लिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गुमराह करने में ये लोग जरिया बन रहे हैं जो ऐसे तशद्दुद के रास्ते पर चलते हैं। ये सातवां गुनाह है। आठवां गुनाह है कि मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है और अलग अलग जगह पर इस्लामोफोबिया पैदा होता है ऐसे तशद्दुद वाले एक्शंस की वजह से। ये लोग तो चाहते ही ये है कि लोग नफरत करें इस्लाम से, मुसलमानों से, और बहुत सारे जुल्म वाले काम मुसलमानों के खिलाफ, बहुत सारे कानून, बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन, ये खुद रेडिकलाइजेशन की वजह से आता है, ये तशद्दुद की वजह से आता है, क्योंकि तशद्दुद को देखकर उसके सामने दूसरा तशद्दुद पैदा होता है। तो ये चीज की वजह से सारे मुसलमानों को ये चंद रॉन्ग एलिमेंट्स के बोझ को उठाना पड़ता है। ये हो गया उनका आठवां गुनाह। क्या जवाब देंगे वो अल्लाह ताला को कयामत के दिन कि उन्होंने सारे लोगों को क्यों इतनी तकलीफ पहुंचाई? नौवां गुनाह ये है जमीन पर फसाद फैलाना जो इस्लाम के बिल्कुल बरखिलाफ है। कुरान में सूरह कसस में सूरह 28 आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तबगील फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद मत फैलाओ, मत चाहो, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। और कुरान में सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 83 में फरमाया तिलकत दारुल आखिरतु, आखिरत का जो घर है, जो जन्नत है, नज अलुहा लिल्लदीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्द वला फसादा, अल्लाह ताला ने फरमाया है मैंने ये बनाया है उन लोगों के लिए जो जमीन में बड़ाई नहीं चाहते, जमीन में अपने आप को बड़ाई नहीं चाहते, ना जमीन में फसाद चाहते हैं। तो फसाद फैलाने से कोई जन्नत नहीं मिलने वाली, उल्टा जन्नत ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं जो फसाद चाहते। जन्नत तो उन लोगों के लिए है जो फसाद यानी कि टेररिज्म के खिलाफ है। दसवां प्रॉब्लम आतंकवाद में है कि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते हैं ऐसे लोग हों, बल्कि उल्टा अगर कोई शख्स हो ही ना जो तशद्दुद वाला हो तो वो तो चाहेंगे कि ऐसे कुछ लोग रहें ताकि उनके किए हुए ज्यादतियों के लिए
या उनके किए हुए एक्ट्स ऑफ अग्रेशन और इन्वेजन्स वगैरह के लिए कोई जस्टिफिकेशन रहे, मतलब कि उसका कोई एक्सक्यूज रहे, उसे करने के लिए कोई बात बताई जा सके कि हम इसलिए कर रहे हैं, देखो ये आतंकवाद के खिलाफ हम इसलिए ये कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट यूज करते हैं ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को, ऐसे रेडिकलाइज लोगों को, ऐसे तशद्दुद वाले लोगों को यूज किया जा रहा है, उन्हें एहसास भी शायद नहीं हो। आइए अब हम कुछ सवालों के जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल, जो तशद्दुद के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी सोच इस तरह से होती है, वो कहते हैं देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो फला जगह पे क्या हुआ, देखो फला जगह पर क्या हुआ, और ख़ास तौर से ऐसी वीडियोस जो पर्टिकुलर जगहों की हो, पर्टिकुलर गलत कामों की हो, वो फेक हो या सही हो, ऐसी वीडियोस को यूज़ किया जाता है ऐसे जज्बात को दिल में पैदा करने के लिए, और रिएक्शन के तौर पर, नफ़रत के तौर पर, ये नफ़रत से नफ़रत आती है लोगों के दिलों में, और कोई जुल्म या कोई गलत काम को देखकर लोग इस तशद्दुद और एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब कुरान में है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मायदा में सूरह 5 आयत नंबर 8, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी भी कौम की नफ़रत तुम्हें इस तरफ ना आमादा करे कि तुम उनके साथ इंसाफ ना करो, ईदिलू अक़रबु लित्तक़्वा, इंसाफ करो, ये तो तकवे का तकाजा है, ये तो तुम अल्लाह से डरते हो ना, उसका डिमांड है, अल्लाह से डरते हो उसका तकाजा है, ये उसके अंदर ये बात आती है कि तकवा है तो तुम इंसाफ करोगे। मैं आपको 7 मिसालें दूंगा कुरान और हदीस से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, उन्होंने क्या सिखाया। पहली मिसाल, उनके खुद के अंकल चचा हमजा रदियल्लाहु अन्हु, उन्हें उहद की जंग में मक्का के जो मुशरिक्स थे उन्होंने मारा, कत्ल किया, और सिर्फ कत्ल नहीं किया, म्यूटिलेशन किया, यानी कि नाक कान काट दिए, बॉडी को कट करके अंदर से ऑर्गन्स को काटा, इस तरह से डिस्टॉर्ट किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया आपको पता है, उन्होंने हराम किया कि चोरी की जाए या बॉडी के पार्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाए, म्यूटिलेशन किया जाए, चाहे वो दुश्मन जो जंग के अंदर मारा गया है, लेकिन उसकी बॉडी का डिस्टॉर्शन म्यूटिलेशन करना हराम है इस्लाम के अंदर, सही बुखारी की हदीस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लेटर्स भेजे थे उस वक्त के कई बादशाहों के पास, किंग्स के पास, उसमें से एक लेटर भेजने वाले हम कहेंगे एनवॉय आज के ज़माने में, या एम्बेसडर जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे ही एक लेटर को ले जाने वाले थे हारिस बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। हारिस बिन उमैर को उस वक्त के गसान स्टेट के शुराहबिल बिन अम्र एक कैथलिक किंग ने पकड़ा और पकड़ करके उनका कत्ल कर दिया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, अन रुसुल ला तुक्तल, एनवॉयज एम्बेसडर कासिद जो मैसेज लाने वाले हैं उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। तीसरी मिसाल, उस वक्त में कोई किंगडम, कोई बादशाह अगर कोई जगह पर कब्जा कर ले तो वहां पर ऐसा इंतकाम लेता कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते, इस तरह खून के इंतकाम का सिस्टम चलता था। लेकिन हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस ने जब मक्का को कॉन्कर किया, फिर से नबूवत के, प्रॉफिटहुड के 21 साल के बाद जब मक्का उनके कंट्रोल में आया, तो वहां पर जाकर वो सारे लोग, वो सारे जालिम जिन्होंने कई सारे उनके साथियों को किल किया था, मर्डर किया था, टॉर्चर किया था, जिंदगी मुश्किल की थी, जो जंगे लड़ने आए थे वहां पर आकर पूरे शहर को घेर लिया था, जो जानी दुश्मन थे, अब वो सब सामने थे, जैसा इंतकाम लेना चाहते ले लेते। लेकिन क्या किया उन्होंने, हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारों के सारों को माफ कर दिया। चौथी मिसाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लेने की, असैसिनेशन, कत्ल करने की कई कोशिशें की गई। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सफर से वापस आ रहे थे, सही बुखारी की हदीस है, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, अपनी तलवार को उस पेड़ के ऊपर लटका दिया, और एक बद्दू ने आकर उस तलवार को निकाला, निकाल करके गर्दन के सामने रखकर कहा, मोहम्मद अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन उनका ईमान था अल्लाह पर, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह बचाएगा। किसी वजह से ये बात सुनकर उसके हाथ लड़खड़ा गए और वो तलवार उसके हाथ से गिर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पकड़ा और अब उसकी तरफ इशारा करके कहा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसने कहा आप बेहतर गलबा पाने वाले बने। अरबों में एक सिस्टम था कि अगर कोई जंग के अंदर लड़ते 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 आखिर में कोई लास्ट में जब बचने का कोई रास्ता नहीं है तब कोई कहे जा छोड़ दिया, तो ये बहुत जिल्लत की बात समझी जाती थी, इंसल्ट की बात समझी जाती थी कि ऐसा करके मुझे छोड़ दिया, तो वो कह रहा है मुझे इंसल्ट करके छोड़ दो कोई बात नहीं।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, जाओ। छोड़ दिया उसे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन का अटेम्प्ट करे, जान लेने की कोशिश करे और उसे छोड़ दिया जाए, आजाद छोड़ दिया जाए? जाओ। आप देखेंगे कि एक यहूदी औरत ने, एक ज्यूश औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉइजन दिया था, जिस पॉइजन का असर अपने लास्ट वक्त तक उन्होंने महसूस किया, लेकिन उस यहूदी औरत के साथ इंतकाम या बदला नहीं लिया गया। क्या ऐसा होता है? क्या मॉडर्न हिस्ट्री में आप ऐसी कोई मिसाल सोच सकते हैं? पांचवी मिसाल, जो दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों के खून के प्यासे थे, जो जुल्म, ज्यादती, टॉर्चर वगैरह किया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते थे। ऐसा ही एक दुश्मन था अबू जहल, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खास दुआ करते थे। छठी मिसाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अंदर क्या सिखाया? वो वक्त का कल्चर क्या था कि किसी को मत छोड़ो? उन्होंने क्या सिखाया? नहान कत्ल निसाई व सिबियान, कि औरतों और बच्चों का कत्ल नहीं किया जाएगा। और एक लास्ट, सातवीं मिसाल, जो लोगों ने उन्हें गालियां दी, बुरा कहा, लेकिन इस्लाम ने यह सिखाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया, उस पर एक्शन अमल किया, कुरान की आयत है, सूरह हिज्र, सूरह नंबर 15, आयत नंबर 94-95, फसदा बिमा तुमर, जो आपको हुक्म दिया गया है वो आप डिक्लेयर कर दो, वो आरिद अनिल मुशरिकीन, और इन मुशरिकों से एराज करो, मतलब इग्नोर करो उनको, ओवरलुक करो, छोड़ दो उनको। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए अल्लाह ही काफी है। इस्लाम ने यह सिखाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया। हम वही नबी के फॉलोअर्स हैं। आज अगर कोई गलत करता है तो उसके काम उसके साथ है, लेकिन हमारे पास अपने दिए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, जो इस्लाम ने हमें सिखाया, हम उस पर अमल करते हैं। हमारा ये मानना है कि आसमान और ज़मीन का कंट्रोल ऊपर वाले अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दिया, उसी चीज़ में हमारे लिए कामयाबी है, दुनिया की भी और मरने के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की भी। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि इस्लाम ने जिहाद सिखाया है। हाँ, इस्लाम ने जिहाद सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वो अपोलोजिटिक अप्रोच में ये नहीं कहूँगा, नहीं, जिहाद नहीं सिखाया, जिहाद सिखाया है, लेकिन जिहाद है क्या? क्या जिहाद सिर्फ एक ही टाइप का होता है या जिहाद अलग अलग टाइप्स के होते हैं? तो हम देखते हैं जिहाद की अलग अलग कैटेगरीज कई सारे स्कॉलर्स ने बताया है कुरान और हदीस की रोशनी में। जिहाद की एक कैटेगरी है जिहादुन नफ्स। इब्न नज्जार की हदीस है सही अल जामे में, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफदलुल जिहाद अन युजाहिद अर्रजुलु नफ्सहु व हवाहु। सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिहाद, सबसे बेस्ट जिहाद यह है कि कोई शख्स अपने खुद के नफ्स, अपने खुद की सोल, अपनी खुद की ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल करे, जिहाद करे, ये जिहाद है। और जिहाद लफ्ज जहादा से आता है, जिसका मतलब है एक्चुअली स्ट्रगल करना, मतलब कि कोशिश करना, जद्दोजहद करना। जिहाद की किस्म जो जिहाद नफ्स के अंदर ही बताया गया है, वो है शैतान के वसवसों के खिलाफ, जो शैतान थॉट्स डालता है उसके खिलाफ स्ट्रगल करना, ये भी तो जिहाद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, सही अल जामे में हदीस है, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी तौतिल्लाह। मुजाहिद तो वो होता है जो अपने खुद के नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है, उसे अल्लाह की फरमाबरदारी में लाने के लिए। जिहाद की दूसरी कैटेगरी है अपनी जुबान के जरिए जिहाद करना, मतलब कोई शख्स जब सही बात, सच्ची बात जब बोलता है, ये भी तो एक स्ट्रगल है, कोशिश है, जिहाद है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, आयत नंबर 52, इस कुरान के जरिए बड़ा जिहाद करो, जो बिग जिहाद है, जिहादन कबीरा, ये कुरान के जरिए करो, ये कुरान का जो सच्चाई वाला सच्चा मैसेज है उसे पहुंचाओ, ये जिहादन कबीरा बड़ा जिहाद है। और इब्न माजा की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिहाद ये है, कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जाहिर, कि एक जालिम बादशाह है, उसके सामने जाकर कोई सच्ची बात बोले, इंसाफ की बात बोले, ये सबसे ज्यादा फजीलत वाला, बेस्ट लेवल का जिहाद है। और एक तीसरी कैटेगरी जिहाद की ये भी है कि फोर्स के साथ जिहाद किया जाए, यानी कि ताकत और फोर्स के साथ। इस्लाम जो मजहब है, ये मजहब एक ऐसा मजहब है जो एक इंडिविजुअल, एक शख्स अमल कर सकता है, एक ग्रुप हो वो भी उस पर अमल कर सकते हैं,
उसी तरह एक गवर्नमेंट भी अगर चाहती है कि इस रिलीजन को फॉलो करें तो उनके लिए भी है। अब जब गवर्नमेंट के लिए भी है तो गवर्नमेंट को तो फोर्स यूज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अगर आर्मी पुलिस वगैरह ना मेंटेन करे ताकि अमन शांति कायम की जा सके तो फिर वो कैसे होगा? तो हम देखते हैं इस्लाम के अंदर फोर्स और फोर्स वाला जिहाद भी है लेकिन उसकी कंडीशंस है। मिसाल के तौर पर नमाज की अपनी कंडीशंस है और नमाज के कंडीशंस में से है कि वुजू करना होगा। अगर किसी में नमाज तो पढ़ने का जज्बा है लेकिन वुजू करने का जज्बा नहीं है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिहाद बाय फोर्स की भी अपनी कंडीशंस है और वो कंडीशंस में से एक है कि इनिशिएट जो किया जाता है जिहाद वो गवर्नमेंट के अंडर में ही हो सकता है। आपके सामने मुगनी किताब में से इब्न कुदामा का कोटेशन है कि वो बताते हैं कि मैटर तो इमाम जो रूलर है उसके ही हाथ में होता है। कई सारे स्कॉलर्स ने इस ताल्लुक से यही फतवा दिया है, यही बताया है। ये कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं है कि कोई शख्स सोचे कि मैं जिहाद डिक्लेयर कर रहा हूं और हर गली गली में लोग इसी तरह से डिक्लेयर करें। ये गवर्नमेंट के अंडर में है, जो एक हुकूमत होती है उसके अंडर में। जब कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि जिहाद की अलग अलग किस्में हैं, वो इसमें आर्ग्यू करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक टाइप का जिहाद है, वो है जिहाद बाय फोर्स। अगर ऐसा है तो जिसके अंदर आया जिहादुल नफ्स के बारे में, जुबान से जिहाद के बारे में, वो आयतों का क्या? और अगर आप देखते हैं सूरह अंकबूत सूरह 29 आयत नंबर 69, सूरह अंकबूत एक ऐसी सूरह है कुरान की जो मक्का में रिवील हुई थी और उसके अंदर आयत नंबर 69 में आता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदीनहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं। अरबिक वर्ड है जाहदू फीना, यानी जिहाद करते हैं। लेकिन ये कौन सा जिहाद है? क्या ये फोर्स वाला जिहाद है? तो हम देखते हैं मक्का में कोई फोर्स वाला जिहाद नहीं था। लनहदीनहुम सुबुलना, हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। उसी तरह जो सूरह फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 52 में पढ़ चुका हूं, वो भी मक्का में नाजिल हुआ था। क्या मीनिंग था इन वर्सेस का? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था? क्या ऐसा है कि जो चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस जो सबसे बेस्ट इस्लाम पर अमल करने वाले जानने वाले लोग थे उन्हें नहीं पता था और आज के इन एक्सट्रीमिस्ट तशद्दुद वाले लोगों को समझ में आ रहा है? अगले सेक्शन में अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी इंसान अगर तशद्दुद में इन्वॉल्व था, एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स का शिकार हो चुका था जो कुरान और हदीस की टीचिंग से बिल्कुल खिलाफ है, जैसा कि हमने देखा, अगर वो इंसान को ये बात समझ में आ गई तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके सामने ऐसी कुछ बातें रखें, ऐसे कुछ काम दें उसे जो कुरान और हदीस में दिए हुए, जो एक तरह से सब्स्टिट्यूट है उसकी उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए। तो मैं आपके सामने 5 बातें रखना चाहता हूँ जो एक अच्छी चीज़ें हैं जो हम सबको करना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ों में बिजी होकर नेकी कमाएं और ताकि हम अपने आप को अच्छी चीज़ों में बिजी रखकर तमाम गलत चीज़ों से ज़िंदगी भर के लिए बच सकें। सबसे पहली चीज़ और वो ये है हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में हैं, बहुत सारी नफरत जो फैली हुई है, ये नफरत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। बहुत सारे लोग जो इस नफरत को देखकर खुद नफरत के शिकार हो जाते हैं, खुद एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हैं, अगर हम उनके सामने ये बात रखें कि आप बात करो, अच्छी तरह से बात करो, और जब एक हेल्दी कम्युनिकेशन में एक इंसान इन्वॉल्व होता है, लोगों से बात करता है अलग अलग बैकग्राउंड्स के, उनके साथ शेयर करता है कि देखिए कुरान में तो ये मैसेज है, इस्लाम ने तो ये सिखाया है, तो सही बात यह ये दीवारें टूट जाती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग अपनी नफरत को दूर करते हैं और हम उस नफरत को दूर करने में हिस्सा बनते हैं, जरिया बनते हैं। जो टेररिस्ट होता है, जो तशद्दुद का शिकार एक रेडिकलिस्ट होता है, वो समझता है कि सब के सब लोग वर्थलेस है, किसी की कोई कीमत नहीं होती उसके नज़दीक। लेकिन जो शख्स कम्युनिकेशन में बिलीव करता है, बात करने में और मैसेज रखने में बिलीव करता है, तो उसके ताल्लुक से ये बात होती है कि वो ये बिलीव करता है कि हर इंसान को बचाया जा सकता है, उसके रेडिकलिज्म से भी बचाया जा सकता है, क्योंकि रेडिकलिज्म की अलग अलग शक्लें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सबको उभारूंगा, आज दुनिया में जो सारी नफरत फैली हुई है, ये नफरत को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम बात करें अच्छी तरह से, खुद भी बात करें और जो बात करते हैं उनकी आवाज़ को भी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, उनके मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, किताबों को फॉरवर्ड करें, पैम्फलेट्स को फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए अच्छी चीज़ें पहुंचाएं। तो ये हम सबको करना चाहिए ताकि ये तशद्दुद जो हर तरफ से फैला हुआ है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में फैला हुआ है, वो दूर किया जा सके। दूसरी चीज़ जो हम सबको करना चाहिए वो एक्ट्स ऑफ मर्सी करना चाहिए, रहमत वाले काम करने चाहिए।
क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे रहमतुल लिल आलमीन। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके बारे में यही इंट्रोडक्शन दिया कि वो सारे जहानों के लिए रहमत है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया इरहमु मन फिल अर्द यरहमकु मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करे। तो जमीन वालों पर रहम करना यह बहुत जरूरी है। तो रहमत वाले काम देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, करना चाहिए और सेल्फलेसली करना चाहिए। आज के ज़माने में हम एक बहुत ही खुदगर्ज दुनिया में रहते हैं, जहाँ सब लोग सिर्फ अपना मैं में लगे हुए हैं। कई सारे सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं, कई सारे फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं। ऐसी दुनिया में जेन्युइन लोग, सिंसियर लोगों की बहुत कदर है। बहुत सारे लोग प्यासे हैं ऐसे सिंसियर लोग जो लोगों की तकलीफ दूर करना चाहते हैं, और हम अगर करेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से हम दूर हुए हैं, इसीलिए परेशानियां हैं। दुनिया में इतनी सारी नफरत क्यों आई हुई है? क्योंकि हम अल्लाह की रहमत से दूर हैं। हकीकत तो यह है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ तशद्दुद वाला रवैया या एटीट्यूड रख रहे हैं, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद अपने एक्शंस में बहुत दूर हैं। हम अल्लाह ताला को अगर खुश करें, हमारा मालिक जो इंसानों के दिलों को कंट्रोल करने वाला है, अगर वो हमसे खुश हो जाए तो बहुत सारे काम बन जाएंगे। तो सही बात हम सब के लिए ये है कि रहमत वाले काम करना चाहिए। कोई तकलीफ ज़दा है, कोई तकलीफ में है, उसकी मदद करो। कोई परेशान है, उसकी परेशानी दूर करो। और कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर सेल्फलेस काम करने वालों की ज़रूरत होती है, जो खुदगर्ज पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या दूसरे मकसद के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, जो सिंसियरली सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है दुनिया को। यह है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कोलैबोरेशन। होता क्या है कि जो शख्स तशद्दुद का शिकार हो जाए, उसे हर चीज में लगता है कि यहाँ पर फोर्स, आतंकवाद यही सलूशन है। लेकिन जब उस दुनिया की सोच से बाहर निकल के देखता है तो देखता है कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। कोलैबोरेशन उनमें से एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर रहते हुए मक्का के मुशरिक लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, उनकी मदद के साथ वहां पर 13 साल तक जिंदगी गुजारी, और हम देखते हैं कि उनके साथ में उन्होंने रिलेशंस रखे। तो हम देखते हैं कि खुद उनके अंकल अबू तालिब, जो मुस्लिम नहीं हुए थे लेकिन उनके जरिए उनके साथ लिया। उसी तरह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहाँ पर जूस के साथ में ट्रीटी की, पैक्ट किया। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग हैं जो इंसाफ वाले लोग हैं, जो तशद्दुद में बिलीव नहीं करते हैं, जो खुद बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स में, जो खुद बिलीव करते हैं कि सारे इंसानों के साथ अच्छाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हम उनके साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं उनके साथ भी हम बात करके उनके एक्सट्रीमिज्म को दूर करने की कोशिश कर सकें। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, वो है कोलैबोरेशन, यानी मिल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। चौथी चीज, पेशेंस, सब्र। सब्र भी तो कुछ है कि नहीं है। हम देखते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का में उनके सहाबा को टॉर्चर किया जाता था। आप खुद देखिए, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी है, कंपेनियन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनकी बीवी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उन दोनों को इस तरह से टॉर्चर किया गया कि आखिर में उनकी जानें ले ली गई। और टॉर्चर करते वक्त उन्हें खास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के रास्ते के अंदर रखा जाता था ताकि देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तड़पते हुए, परेशान होते हुए देखा, लेकिन यही कहा कि ऐ यासिर की फैमिली, सब्र करो, तुम्हारे लिए तो जन्नत है। हम देखते हैं कि उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेडिकेटेड सहाबा थे, अपनी जान तक देने तैयार थे, ऐसे सहाबा थे। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो कहा भी था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोका, किसी को भी आतंकवाद के रास्ते पर जाने नहीं दिया। क्या हम ये चीज नहीं सीख सकते? पांचवी चीज करने के लिए, अगर हम में से किसी को भी कहीं भी पता चलता है कि कहीं पर भी किसी भी तरह का आतंकवाद का कोई काम होने वाला है, तो सारे स्कॉलर्स के फतावे, स्कॉलर्स के फतवे मौजूद है उस ताल्लुक से कि जहां पर किया जा रहा है, जिन लोगों के साथ किया जा रहा है, वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सही बुखारी की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अपने भाई की मदद करो, उनसुरखा का जालिमन और मजलूमा, जालिम हो तो भी मदद करो, मजलूम हो यानी उस पर जुल्म किया जा रहा है तो भी मदद करो। सहाबा ने पूछा, अगर वो जुल्म कर रहा है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, उसे रोक कर। ये थे 5 स्टेप्स जो हम सबको लेना चाहिए पॉजिटिव एक्शन के तौर पर। आखिर में ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है, टेस्ट है,
अलग अलग तरह से अल्लाह बंदों का इम्तिहान लेता है। आसमान और ज़मीन में एक पत्ता तक नहीं हिलता सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी से। अगर कोई चीज़ हो रही है तो अल्लाह की मर्ज़ी है वहाँ। हम सबको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे हमसे कोई चीज़ मिस हो रही है। मैं इस आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करूँगा कुरान की एक आयत से, और जिस आयत में अमन सिक्योरिटी पाने का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम सबको गौर करना चाहिए। सूरह अनाम की आयत है सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लदीन आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया। जुल्म, ईमान लाए, ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया। उलाइका लहुमुल अमन, ऐसे लोगों के लिए ही तो अमन है। वहुम मुहतदून, यही तो लोग हैं हिदायत पर। सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये जुल्म का मतलब क्या है इसमें? तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस आयत में जुल्म, जुल्मुन अजीम, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने के ताल्लुक से है। अल्लाह ताला ने ये बताया, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, ईमान के साथ में जुल्म को नहीं मिलाते, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए अमन है। हम सबको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमने सच्चा ईमान अल्लाह पर लाया है, क्या हम कहीं अल्लाह के साथ औरों को तो शरीक नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत तो नहीं कर रहे हैं। हकीकत में यही वो चीज़ है जिसके ज़रिए अमन आ सकता है। जब कोई अल्लाह के आगे सरेंडर हो जाता है तो तब अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसे बचाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, सही रास्ता भी क्लियर है और गलत रास्ता भी क्लियर है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको ज़िंदगी भर इस सही और सच्चे रास्ते को समझकर उस पर जम जाने की अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें सही रास्ते को समझकर उसी पर खात्मा पाने की हमें तौफीक दे। आमीन। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। सिर्फ iPlus TV पर बेहतर जिंदगी के लिए।